वेलकम टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ 28 फीट बाय 32 फीट के इस प्लॉट के साथ, जिसका एलिवेशन भी आप देख रहे हैं। महज 896 स्क्वायर फीट के एरिया में हमने एक लग्जरी बंगलो डिज़ाइन किया हुआ है। इस प्लॉट में हमने 1 हॉल, 1 किचन, 4 बाथरूम, 3 बेडरूम, 2 बालकनी, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल और पार्किंग एरिया दिया हुआ है। आज इस वीडियो में हम इस प्लॉट का प्लान लेआउट देखेंगे, वॉक थ्रू के जरिए इसका इंटीरियर देखेंगे और इसके सारे डायमेंशन डिटेल्स को अच्छी तरह से समझेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने इसमें कहाँ पे कलर यूज किया है, कहाँ पे वॉलपेपर यूज किया है, कहाँ पे बाथरूम में कौन सी टाइल्स यूज के, बाकी सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस ग्राउंड फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसको आप पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे डायमेंशन डिटेल्स भी मिल जाएंगे। वॉक थ्रू के जरिए इसका मेन गेट है। इसके मेन गेट से जब हम इंटर होंगे तो हमें सामने कुछ इस तरह से पार्किंग एरिया नज़र आएगा, जहाँ पे आपने कार, बाइक, जो भी आपके पास है वो आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि एक लग्जरी बंगलो में स्विमिंग पूल की नीड होती है, इसके लिए हमने स्विमिंग पूल को यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स भी दिए हैं। पार्किंग एरिया में आएंगे तो आपके सामने आपको यहाँ पे प्लांटर एरिया मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से फ्लावर भी लगा सकते हैं, ट्रीज भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ये एरिया जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने प्लेग्राउंड बनाया हुआ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया घर में ही रहे तो काफ़ी अच्छा होता है। इसको हमने देखते हुए इसमें यहाँ पे छोटा सा एरिया देके हमने बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे बच्चों के जो भी प्लेइंग एक्सेसरीज होते हैं वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी आप अपने बच्चों के और अपने अकॉर्डिंग के चॉइस के अकॉर्डिंग से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसका मेन डोर है, जिससे हम इस प्लॉट में एंटर होंगे और पहुंच जाएंगे हाल में। यहाँ पे हमने स्लाइडिंग विंडोज़ भी दिए हैं वेंटिलेशन के लिए। इसमें एंटर होंगे तो सामने आपको स्टेयर नज़र आएगा, जिससे आप फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग यूज किया हुआ है नीचे, बाकी ऊपर की अलग अलग फ्लोरिंग्स हमने यूज की हुई हैं। ये हमने यहाँ पे सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया हुआ, जहाँ पे आप गेस्ट या आप खुद यहाँ पे सिटिंग एरिया हमने बनाया हुआ, वहाँ पे बैठ सकते हैं। सामने वाले वाल पे आपको 3D के वॉलपेपर्स नज़र आएंगे, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ सोफे के सामने ही हमने सेंटर में TV यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसकी हमने वुडन में पूरा डिज़ाइन किया और बीच में हमने ग्रूविंग दे के डिज़ाइन किया हुआ, और पीछे हमने व्हाइट कलर के वॉलपेपर्स यूज़ किए। ऊपर सीलिंग की बात करें तो हमने POP की सीलिंग यूज़ की, जिसको हमने डबल लेयर में डिज़ाइन किया हुआ अप डाउन करके, और बीच में हमने प्लाईवुड का सीलिंग भी यूज किया हुआ है, और सेंटर में हमने फ़ैन दिया है, और सामने यहाँ पे हमने AC भी दिया हुआ है। TV यूनिट के नीचे हमने कुरियन का डिज़ाइन यूज किया, और यहाँ पे भी सामने आपको जो नीचे AC दिख रहे हैं वो भी हमने कुरियन का ही डिज़ाइन किया है। सामने आपको एल शेप का सोफ़ा दिखेगा, उसके पीछे भी आपको जो डिज़ाइन दिख रहा है वो हमने प्लाईवुड में बनाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने कुरियन की कवरिंग दी हुई है, क्योंकि कुरियन दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। ये सामने आपको मॉड्यूलर किचन नज़र आ जाएगा, जिसका सर्विस प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको बाहर ही नज़र आएगा, और बाहर आपको इसके कुछ टेबल्स नज़र आएंगे। पूरा किचन में रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया हुआ। टाइल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे मार्बोनाइट्स के टाइल्स यूज़ किए हैं, और सामने आपको यहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाएगा। ऊपर सीलिंग की बात करें तो हमने कंपोजिट की सीलिंग यूज की है। यहाँ पे हमने सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस लाइट भी दिखाए हुए हैं। ये सेक्शन जो सिटिंग पोर्शन के पीछे है, हमने इसे डाइनिंग एरिया डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने वॉलपेपर्स भी दिए हैं। यहाँ पे 4 चेयर का डाइनिंग टेबल है, और सामने यहाँ पे हमने शोकेस भी दिया हुआ, जिसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से सामान को ऊपर भी रख सकते हैं, बाकी कुछ सामान को आप स्टोर भी कर सकते हैं। राइट वाले वॉल की बात करें तो यहाँ पे हमने 3D के वॉलपेपर्स दिए हैं, और ऊपर हमने यहाँ पे कुछ पिक्स भी लगाए हुए हैं, और ऊपर हमने AC भी दिया हुआ है, क्योंकि एक हाल में 2 AC की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग से हमने यहाँ पे 1 टन की 2 ACs इंस्टॉल की हुई है इस हाल में। ये इस हाल का बाथरूम है, क्योंकि नीचे भी बाथरूम की नीड होती है, इसके लिए हमने यहाँ पे बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आपको शावर, कमोड और वाश बेसन मिलेगा। टाइल्स की बात करें तो हमने क्रीम कलर का ही टाइल्स यूज किया, और उसी का हाइलाइटर भी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। वापस आ जाते हैं हाल में और बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन सबसे पहले इसका मैं आपको सीलिंग के बारे में बता दूं। ये जो पैसेज का सीलिंग है, ये साइड का तो POP का है, और बीच का हमने PVC का सीलिंग यूज किया है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जिसको क्लीन करने में काफ़ी ईजी होता है। तो ये किचन के पास है, इसके लिए हमने यहाँ पर PVC का सीलिंग यूज किया, जो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अभी इसको वॉक थ्रू के जरिए देखते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। स्टेयर से आएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और यहाँ से मुड़ेंगे तो सामने आपको एक विंडो नज़र आएगा, और लेफ्ट साइड में एक विंडो नज़र आएगा। वेंटिलेशन के लिए ये दोनों विंडोज़ हैं। सामने वाले विंडो से आप बाहर जाएंगे तो ये आपको बालकनी एरिया मिल जाएगा, जो कि बालकनी एरिया में बैठेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा, और बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा रहेगा।
यहाँ पे हमने राइट साइड में कुछ प्लांट्स भी दिए हैं और बीच में हमने दो सोफ़ा चेयर भी दिया है और टेबल्स भी दिया हुआ है। वापस आ जाएंगे पैसेज में और सामने यहाँ पे आपको टेंपल नज़र आएगा। ऊपर सीलिंग की बात करें तो ये भी पीओपी का सीलिंग है, हमने सिर्फ वॉलपेपर यूज किया हुआ है। रेड कलर का जो सेक्शन है उस पर हमने प्लाईवुड लगाया, उसके ऊपर हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ। ये यहाँ पे हमने टेंपल दिया हुआ है, टेंपल को आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं जैसा चाहें। ये इस प्लॉट का फर्स्ट रूम है जिसमें एंटर होंगे तो बीच में आपको 6x6.5 का बड़ा बेड नज़र आएगा। पीछे स्लाइडिंग विंडो मिलेगा, ऊपर आपको एसी मिलेगा। यहाँ सामने वाले वॉल पे आपको 3D के वॉलपेपर्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टडी एंड कंप्यूटर एरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। बेड के सामने ही यहाँ पे आपको पिलर से नजर आएंगे जिसपे हमने टीवी ने डिज़ाइन किया हुआ और वही हमने सीलिंग में भी कंटिन्यू किया हुआ है। इस पिलर को हमने कुरियन से कवर किया हुआ, बाकी ये सब पूरा प्लाईवुड का बना हुआ, उस पर हमने सिर्फ कुरियन की कवरिंग दी हुई है। चलिए इस रूम के बाथरूम में इंटर होते हैं। इस रूम के बाथरूम में इंटर होंगे तो सामने आपको स्टोरेज कैबिनेट नज़र आएगा, यहाँ सामने आपको कमबोर्ड नज़र आएगा, उसके सामने आप देखेंगे तो आपको शावर नज़र आएगा और शावर पे आपको ग्लास की कवरिंग मिलेगी। टाइल्स की बात करें तो हमने पूरा वुडन टेक्सचर का टाइल्स यूज किया हुआ है जिसका फिनिशिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जो दिखने में आपको काफ़ी अच्छा दिखता है। चलिए इस बाथरूम से बाहर होते हैं और बढ़ते हैं बाकी आगे। ये इस रूम का स्टोर वार्डरोब है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हर रूम में एक स्टोरेज की नीड होती है। इसको देखते हुए हमने सभी रूम में एक एक वार्डरोब डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए इस रूम में एंटर होते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट रूम है जो कि एंट्रेंस से फर्स्ट है, पर ये इस प्लॉट का सेकंड रूम है। यहाँ से एंटर होंगे तो सामने आपको बेड नज़र आएगा 6x6.5 का। पीछे आपको विंडो मिलेगा, कलरफुल विंडो, जिसमें से कुछ ओपन होंगे वेंटिलेशन के लिए और कुछ पैक रहेंगे। सामने वाले वाल पे आपको 3D के वॉलपेपर्स और सोफ़ा चेयर नज़र आएगा, ऊपर AC मिलेगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी आपको मिलेगा। टीवी यूनिट की बात करें तो बेड के सामने ही सेंटर में आपको टीवी यूनिट मिल जाएगा जो कि प्लाईवुड का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। पीछे जो रेड कलर का दिख रहा है वो पूरा वॉलपेपर, और टीवी यूनिट पे भी हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ जो ग्रूविंग के जैसा दिख रहा है। सामने यहाँ पे आपको वॉलड्रॉप नजर आएगा जो काफ़ी कलरफुल है। ऊपर सीलिंग की बात करें तो हमने पीओपी का सीलिंग किया हुआ और उसमें भी हमने वॉलपेपर यूज किए हुए हैं, और बीच में हमने प्लाईवुड भी यूज किया हुआ है दोनों सीलिंग के। ये इस रूम का बाथरूम है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये हमने वॉलड्रॉप के बाजू में डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि सभी रूम में एक बाथरूम की नीड है। इसको देखते हुए हमने यहाँ पर भी डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें यहाँ पे सामने आपको वाश बेसन मिल जाएगा, और टाइल्स की बात करें तो हमने डार्क ब्लू कलर का टाइल्स इसमें हाइलाइटर के तौर पर यूज किया। यहाँ पे आपको कमोड मिलेगा, सामने आपको बाथटब मिलेगा, और जिसका आपको ग्लास का कवर भी मिल जाएगा, ग्लास का केबिन भी मिल जाएगा। बाकी टाइल्स की बात करें तो हमने मार्बोनाइट्स के टाइल्स यूज किए हुए हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाथरूम को एकदम सिंपल बनाने के लिए हमने ज़्यादा कलर के टाइल्स या ज़्यादा कलर के उसमें डिज़ाइंस वाले टाइल्स यूज नहीं किए हैं। सिंपल टाइल्स, सिंपल डिज़ाइंस ही आजकल अच्छे लगते हैं, इसके लिए हमने इसमें सिंपल ही यूज किया हुआ है। चलिए इस रूम से बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ, जिसपे हमने सबसे अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है, जिसपे हमने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। नीचे ये इसका 2D लेआउट है जो कि सेकंड फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसे आप पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें आपको डायमेंशन डिटेल्स भी मिल जाएंगे। चलिए स्टेयर से बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे हमें गार्डन का जगह ना मिल पाने की वजह से हमने यहाँ पे गार्डन एरिया पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर सीलिंग की बात करें तो प्लाईवुड का सीलिंग है और बीच में PVC का सीलिंग, बाकी साइड का व्हाइट कलर का जो भी है वो हमने POP का सीलिंग डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको गार्डन बेंच मिल जाएगा, फ्लोरिंग में आपको ग्रास मिल जाएंगे, और यहाँ पर साइड में आपको कुछ यहाँ पे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे चाहे आप अपने अकॉर्डिंग से तो फ्लावर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको झूला मिल जाएगा बच्चों के लिए, जहाँ पे आप बैठ के आप खुद भी झूला झूल सकते हैं, बच्चे भी झूल सकते हैं। यहाँ पे हमने झूला भी दिया हुआ। इसके सामने ये जो डोर है इससे बाहर आएंगे तो आप आ जाएंगे बालकनी में। इसे आप बालकनी भी कह सकते हैं और इसे आप ओपन टेरेस भी कह सकते हैं। हर प्लॉट में एक ओपन टेरेस की नीड होती है क्योंकि हर कोई चाहता है मैं ओपन जगह पे बैठूं, जिसके ये घर में नहीं होता है वो टेरेस पे सीधा जाता है। तो हमने ये बालकनी ही ऐसा ओपन डिज़ाइन किया जिससे आप बैठेंगे तो सीधा स्काई आपके सर के ऊपर नज़र आएगा। चलिए इस बालकनी के बाद हम इंटर होते हैं इस रूम में जो इस प्लॉट का सबसे बड़ा रूम है। स्लाइडिंग से इंटर होंगे इस रूम में तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सामने आपको 6x6.5 का बेड मिलेगा, जिसके पीछे आपको पेनलिंग नज़र आएगा जिसपे वॉलपेपर लगा हुआ, और ऊपर आपको AC मिलेगा। ये सामने आपको वॉलड्रॉप नज़र आएगा, और उसके बाजू में यहाँ पे आपको 3D के वॉलपेपर्स मिलेंगे, और वहाँ पे आपको सोफ़ा भी नज़र आएगा। टीवी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसे हमने वुडन एंड कोरियन में डिज़ाइन किया हुआ है। सीलिंग की बात करें तो पूरा POP का सीलिंग है, लेकिन हमने इसको 2 लेयर में डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऊपर वाली जो हाइट है उस पर हमने पूरे में वॉलपेपर दिया, और वही वॉलपेपर हमने बेड के बैक पेंडिंग में भी यूज किया हुआ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ड्रेसिंग टेबल भी देखने को मिल जाएगा। इस रूम के बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। इस रूम के बाथरूम की बात करें तो हमने इसको मार्बल से पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे हमने पूरा टाइल्स यूज किया था, तो यहाँ पे हमने मार्बल यूज करके थोड़ा यूनिक करने की कोशिश की है। इसको मार्बल हमने लगाया हुआ, और इसमें हमने ग्रूविंग दिया हुआ, बीच में कट कट करके ग्रूविंग का भी हमने इसमें दिया हुआ है,
जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको ग्लास का शावर मिल जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्टोरेज केबल मिल जाएगा और यहाँ पे कमोड मिल जाएगा। चलिए इससे बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं इसके एलिवेशन व्यू की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लें तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।